अपना शहर अपनी बातें अपना शहर अपनी बातें सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते हम आपके लिए लाते कहीं पे चोरी कहीं पे डाका ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका मंत्री मोजी पाड़े का न्यूज अपनी चक पटा पटाका पटा पटाका पटा पटाका खबर दर खबर पहुँचे आपके घर देखे न्यूज ये पूरा शहर News, views, and interviews, fresh and hot, without excuse, without excuse, without excuse. So tune in, keep watching, पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते हम आपके लिए लाते कोणार्क अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, मी मेघना घाक, कोणार्क अपना शहर अपनी बातेच्या आजच्या मराठी एपिसोडमध्ये आपले स्वागत आहे। चला तर मग नजर टाकूया शहरातील सामाजिक सांस्कृतिक राजनैतिक एवं आर्थिक घडामोडींवर। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। उल्हासनगर ट्रेड असोसिएशन व शहरातील इतर व्यापारी संघटनांच्या वतीने उल्हासनगर 3 येथील रिजेन्सी हॉलमध्ये ऑनलाईन शॉपिंगच्या निषेधार्थ एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी व्यापाऱ्यांद्वारे सर्वसामान्य नागरिकांना आवाहन करण्यात आले की ऑनलाईन शॉपिंगवर बहिष्कार टाकावा व शहराची आर्थिकरित्या वाढ व्हावी याकरिता शहरातील व्यापाऱ्यांकडूनच दिवाळीनिमित्त खरेदी करावी। उल्हासनगर ट्रेड असोसिएशन जो टीम ओमेगा का एक पार्ट है शहर में, उसकी 1 से 5 नंबर तक 48 एसोसिएशन है, 48 ही एसोसिएशन और कल्याण बदलापुर अंबरनाथ के जो व्यापारी संघ है उनकी तरफ से यह मीटिंग आज यहाँ पर अरेंज की गई थी। हमारे व्यापारियों ने यहाँ पर ये अभी लास्ट में यह एक कसम लिया है कि ऑनलाइन शॉपिंग हम लोग अपनी तरफ से बंद कर रहे हैं, अपना परिवार की तरफ से बंद कर रहे हैं और इस ऑनलाइन का शॉपिंग का जो विरोध है वो हर दुकानदार तक हर व्यापारी तक हम लोग पहुँचाएँगे। ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे दुकान हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा असर हो रहा है और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हम लोग उनको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई पॉलिसी एक ज़रूर उनकी तरफ से आनी चाहिए कि जैसे MRP समझ लो किसी चीज़ की 10,000 है तो वो लोग 7800 में बेच रहे हैं, 8,000 में बेच रहे हैं, या कैश बैक है या क्या है, उस वजह से हमारे धंधे के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। और यहाँ पर यह निर्णय लिया गया है कि उल्लासनगर में और उल्लासनगर अंबरनाथ बदलापुर आसपास कल्याण यहाँ के सब व्यापारी संगठन जो है ऑनलाइन का विरोध करेंगे और गवर्नमेंट की तरफ ये हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई पॉलिसी हम छोटे दुकानदारों के लिए ज़रूर बननी चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास काम करने वाले जो लोग हैं वो भी बेरोज़गार हो जाएंगे। आज पहले से धंधा 40% हो गया है हमारा, तो इस वजह से हम लोग महाराष्ट्र गवर्नमेंट को और हमारी जो भारत सरकार है उसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ऑनलाइन के ऊपर एक ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए कि जिस तरह से हमारा जो व्यापार है वो भी चलना चाहिए। लेकिन एक ये निर्णय यहाँ पर हो चुका है कि ऑनलाइन का विरोध उल्लासनगर हर व्यापारी कर रहा है और वो अपनी तरफ से अपने परिवार की तरफ से आज से ऑनलाइन मंगाना बंद कर देगा और जो भी कंपनियां ऑनलाइन बिजनेस करती है उनको ये असर जल्दी उल्लासनगर और आसपास के व्यापारियों की तरफ से और नागरिकों की तरफ से दिखेगा। कुछ हमारे व्यापारियों की ये राय थी कि हम लोग ऑर्डर्स बुक करेंगे कैश ऑन डिलीवरी के और वो हम लोग डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या कुछ नागरिकों की भी, तो उसमें 2 दिन से वहाँ पे जो ऑर्डर्स गए हैं तो बड़े बड़े जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो आज ही मेरे ख्याल से कुछ कंपनियों ने कैश ऑन डिलीवरी उल्लासनगर के लिए बंद कर दिए। उल्लासनगर में हमारे जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनके पास अगर हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे भी हमको सेम रेट मिलता है तो हम लोग वहाँ से परचेसिंग करेंगे
और सबसे पहले तो हम व्यापारियों ने कसम खाया कि हम लोग अगर हमारे घर में कोई बच्चा हमारा या हमारी फैमिली ऑनलाइन मंगा रही है तो आज से वो ऑनलाइन मंगाना बंद कर देगी। उसका असर और इस हफ्ते में दिवाली के पहले सभी ऑनलाइन कंपनियों को उल्लासनगर और आसपास के परिसरों में दिखेगा। उल्लासनगर ट्रेड असोसिएशन च्या वतीने आयोजित या बैठकीत उल्लासनगर महानगरपालिकेच्या महापौर पंचम कलानी व टीम ओमी कलानीचे संस्थापक अध्यक्ष ओमी कलानी यांनीही व्यापाऱ्यांच्या समर्थनार्थ उपस्थिती लावली। देखिए ये जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसके वजह से जो लोकल बिजनेसमैन है उल्लासनगर के ही नहीं बदलापुर अमरनाथ हर शहर के काफ़ी परेशान हो चुके हैं बिकॉज बिजनेस काफ़ी डाउन हो चुका है। तो उसके लिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी जो जो भी ये न्यूज़ देख रहे हैं चाहे वो कहाँ के भी हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग बंद करें और जो हमारी लोकल इकोनॉमी है उसको सपोर्ट करें। आप लोगों ने अभी व्यापारियों के साथ में आपने शपथ ली है, क्या शपथ ली है? हमने ये शपथ लिया है कि हम लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग बंद करेंगे क्योंकि न्यू जनरेशन ऑनलाइन शॉपिंग से काफ़ी अट्रैक्टेड है और प्लस हम लोग अपनी फैमिलीज अपने फ्रेंड्स सबको ही बोलेंगे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग एकदम बंद करिए। देखिए ये एक आग है और मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि ये ऑनलाइन शॉपिंग से हर व्यापारी परेशान है। जब सब बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं हज़ारों करोड़ का अपना टर्नओवर करके अपना मार्केट वैल्यू बढ़ाते हैं और अपने शेयर्स फॉरेन कंपनीज़ को बेच देते हैं, घूम फिर के हमारा जो इकोनॉमी जो हमारे यहाँ आना चाहिए वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाता है। तो ऐसे में ख़ास तौर से उल्लासनगर जो एक व्यापारिक शहर माना जाता है यहाँ पे 70% लोग बिजनेस कम्युनिटी के हैं, बाहर से लोग आते हैं यहाँ व्यापार करने, तो इन लोगों के ऊपर इस दिवाली पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। अभी पिछले दिनों अमेजोन कंपनी ने कुछ स्कीम लॉन्च किया था, वो स्कीम के तहत 15,000 करोड़ का उन्होंने अपना बिजनेस बुकिंग्स किए हैं। तो ऐसे ये सब देखते हुए हमारे शहर पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हो रहा है। ये देखते हुए जो यहाँ का जो हमारे जितने भी एसोसिएशंस हैं उन सभी लोग कंबाइन हुए हैं, अमरनाथ के भी लोग आए हैं, कल्याण के भी लोग आए हैं और आज से कसम तो खाया ही है कि कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करेगा। उसके अलावा हम किस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग को डिस्टर्ब करें हम वो अभी तैयारी करेंगे। इसके लिए आप लोगों ने क्या मुख्यमंत्री से मिलने का प्लान बनाया? जी हाँ, ऐसा आज सभी लोगों ने डिमांड किया है और हमारे CM साहब बहुत पॉजिटिव इंसान है और मुझे पक्का यकीन है वो जरूर हमको सपोर्ट करेंगे। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीद्वारे देशाच्या पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांना श्रद्धांजली देण्यात आली। यावेळी उल्हासनगर शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे राधाचरण करोतिया, मालती करोतिया व इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ताही उपस्थित होते। आज का दिन अपने लिए दो ऐसे महान नेता है जो देश के लिए बलिदान हुए हैं, एक माननीय स्वर्गीय पंत प्रधानमंत्री माननीय सौ इंदिरा जी गांधी, आज उनकी पुण्यतिथि, और एक ऐसे नेते जो देश के लिए कुर्बान दिए हैं सरदार वल्लभ भाई जी पटेल, आज उनकी जयंती है। आज ये दोनों महान नेता देश के लिए एक महान है, एक विशाल है। आज हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं कांग्रेस पक्ष का, आज उनके नेतृत्व में हम चल रहे हैं। भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर सर्व धर्म संभव लोगों को लेकर काम करता है। आज यहाँ कांग्रेस कार्यालय जसलोक स्कूल उल्लासनगर 3 में यहाँ पे जो हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा जी गांधी जी की पुण्यतिथि, हमने यहाँ पर उनको आज श्रद्धांजलि दी और सभी कांग्रेस महिला कांग्रेस सेंट्रल ब्लॉक कांग्रेस और सभी कांग्रेस के सभी नेतागण और सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आए। आज हमने माताजी इंदिरा जी गांधी जी को श्रद्धांजलि दी है, तो उनकी पुण्यतिथि मनाइए। आज मैं उल्लासनगर को यही कहना चाहूँगा कि हमारे उल्लासनगर के सभी रहवासियों ने प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में है और इस देश में है
और संपूर्ण देश तबाह हो गया है, संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य तबाह हुआ है और सभी उल्लासनगर तबाह हुआ है, यानी कि हर आदमी परेशान है। इसलिए आज ऐसा संकल्प लेंगे कि हम सभी लोग बड़ी ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी को वोट देकर और आने वाले जो 2019 का जो चुनाव हो रहा है और बड़े बहुमत के साथ में कांग्रेस पार्टी को लाएंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। शहरातील काही युवा तरुणांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षात प्रवेश केला आहे, ज्याच्याच निमित्त महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उल्हासनगर शहरातील पदाधिकाऱ्यांनी या युवकांचे कौतुक केले व या युवा कार्यकर्त्यांचे स्वागत सत्कारही केले। यावेळी उल्हासनगर शहराचे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाचे काही कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित होते। आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष मराठी हृदय सम्राट सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांचा झंझावती विदर्भ दौरा बघून उल्हासनगर शहरातील काही तरुण मित्र त्यांच्या विचाराला प्रेरित होऊन आज त्यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमध्ये प्रवेश घेतला आहे। त्यांनी आम्हाला प्रॉमिस केलं आहे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष आदरणीय राजसाहेब ठाकरे यांना अभिप्रेत असलेलं काम आम्ही या उल्हासनगरमध्ये शहरामध्ये करू आणि या शहरातल्या नागरिकांची सेवा कशी करता येईल त्याच्यासाठी ते सर्व प्रयत्न करणार आहेत। आम्ही त्या सर्वांचं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उल्हासनगर शहर शाखेच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो आणि इथून पुढे या सर्व युवा मित्रांच्या सुख दुःखामध्ये आम्ही सगळे सहभागी असू, त्यांना बरोबर घेऊ आणि त्यांना चांगलं समाजोपयोगी काम कसं करता येईल याच्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये राजसाहेबांचा जो झंझावत चालू आहे, जो दौरा चालू आहे, या दौऱ्याला बघून आणि राजसाहेबांच्या विचारांना प्रेरित होऊन उल्हासनगरमधील शेकडो कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमध्ये आज प्रवेश केलेला उल्हासनगरमध्ये आणि त्यांच्या प्रभागामध्ये त्यांच्या एरियामध्ये कुठल्याही प्रकारच्या समस्या असतील तर ही जी आमची टीम जी आहे पूर्ण उल्हासनगरची, ही टीम त्यांच्या मागे सतत उभी राहणार आणि त्यांना एक गोष्टीची कल्पना आहे की मराठी माणसासाठी उल्हासनगरमध्ये पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये लढणारे फक्त एकच पक्ष आहे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जुलिया। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। संपूर्ण राज्यात राज्य शासनाद्वारे विविध शाळा व इस्पितळांमध्ये मास MR वॅक्सिनेशन कॅम्पेन सुरू आहे, ज्याच्याच अंतर्गत उल्हासनगर शहरातही डॉक्टरांसमवेत एक बैठक घेण्यात आली। याबाबत अधिक माहिती देत आहेत उल्हासनगर महानगरपालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर राजा रिजवानी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की गाइडलाइंस के हिसाब से हम एक मास कैंपेन वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कर रहे हैं मीजल्स रूबेला बदल, मीजल्स रूबेला इंजेक्शन बदल। ये हमने एक प्राइवेट डॉक्टर्स को जो पीडियाट्रिशियन उनको बुलाया था, हमारे स्टाफ को बुलाया था, हम ने पूरी ग्राउंड एक्टिविटी की है। ये मीजल्स रूबेला की एक्टिविटी करने के लिए गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से हम नवंबर की एंड से 27 तारीख से शुरू करेंगे। ये एक महीना कार्यक्रम रहेगा अप टू दिसंबर और हम उसमें 9 महीने से लेकर जो 15 साल तक बच्चू हैं उसको हम ये मीजल्स और रूबेला की इंजेक्शन देंगे, फ्री ऑफ कास्ट देंगे, उसकी कोई चार्ज नहीं है। उसमें हम पहले 2 हफ्ते जो है वो स्कूल में एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद 2 हफ्ते हम फील्ड में एक्टिविटी करेंगे और सभी हमको गाइडलाइंस के हिसाब से जितने भी 9 महीने से लेके 15 साल जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो शाड़ा में है या शाड़ा के बाहर है, शाड़ा स्कूल गवर्नमेंट का है, प्राइवेट है, नर्सरी है, KGB है, जो भी है, सबको हमको कवर करना है। वो हिसाब से हमारी एक प्लानिंग चल रही थी। तो वैक्सीनेशन के लिए तारीख कहाँ से कहाँ पर रहेगी और किस प्रकार से किया जाएगा ये हम उसके लिए प्लान कर रहे हैं। ये 4 हफ्ते तक वैक्सीन रहेगी, पूरे महाराष्ट्र में 3.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीन दिया जाएगा और उल्हासनगर में उसका टारगेट 1,35,000 के करीब टारगेट है। और पहले 2 हफ्ते हमारा कार्यक्रम स्कूल में रहेगा, जो भी स्कूल्स हैं, चाहे मैंने जैसे आपको बताया कि इसके म्यूनसिपल के होंगे, प्राइवेट होंगे, चाहे बच्चों के नर्सरी बच्चों, पहले 2 हफ्ते में वो कवर किया जाएगा। और हमारा अंदाज़ा ऐसा है कि हम अप्रॉक्सीमेटली 80,000 के करीब हम बच्चे स्कूल में कवर करेंगे और बाकी जो है बच्चे हम आंगनवाड़ी और हमारे सेंटर्स पे उसके कार्यक्रम सेशन वगैरह लगाए जाएंगे, फिक्स किया जाएगा। एक ही डोज है, एक ही शॉट है और सब उसके लिए हमारी प्रिपरेशन हो गई है और हर एक बच्चे के लिए अलग से सिरिंज है, उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है।
एक बच्चे को एक इंजेक्शन लगेगा, ये इंजेक्शन उसके बाद डिस्कार्ड की जाएगी, दूसरे बच्चे को नहीं लगेगी। इसलिए मेरा सभी प्राइवेट डॉक्टर्स को भी हमारा वर्कशॉप हुआ हुआ है उमा का, आईएमए का, और पीडियाट्रिशियन को हमने इसलिए बुलाया था। हमारा ऐसा अंदाजा है कि हम सक्सेस करेंगे, हम 90% के ऊपर हमारा टारगेट अचीव होगा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। दिवाळी निमित्त उल्हासनगर 3 शांतीनगर परिसरातील यामाहा शोरूमच्या वतीने ग्राहकांकरिता खास दिवाळी जॅकपॉट ऑफर्सचे आयोजन करण्यात आले आहे। काय आहेत हे ऑफर्स आणि ग्राहक कशा प्रकारे याचा आनंद घेत आहेत जाणून घेऊयात। दिवाळी म्हटलं की सर्वीकडून होतो तो म्हणजे बक्षिसांचा आणि भेटींचा वर्षाव। हेच लक्षात घेता उल्हासनगर 3 शांतीनगर परिसरातील यामाहा शोरूमच्या वतीने देखील ग्राहकांकरिता खास दिवाळी जॅकपॉट ऑफर्सचे आयोजन करण्यात आले आहे, ज्याच्या अंतर्गत ग्राहकांना विविध बक्षिसे व भेटी देण्यात येतील। एवढेच नाही तर ग्राहकांकरिता सरप्राईज गिफ्टही ठेवण्यात आले आहेत। जे कोणी ग्राहक यामाहा शोरूम मध्ये येत आहेत त्यांचा दिवाळीचा आनंद दुप्पट होताना स्पष्टपणे दिसत आहे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। येत्या 5 नोव्हेंबरला आहे धनतेरसचा सण। धनतेरस पासूनच खऱ्या अर्थाने दिवाळीची सुरुवात होते। धनतेरस या सणाचे महत्व व पूजा विधी याबाबत माहिती देत आहेत वासुमल सचदेव महाराज। सभी भक्तों को बता दे, बड़ा हर्ष हो रहा है कि भगवान की हमारे ऊपर असीम कृपा है। 5 नवंबर सोमवार को धनतेरस का पावन दिवस है। इस दिन धन्वंतरि भगवान माने आयुर्वेदिक जी दवाइयाँ ले आए थे समुद्र से और हमारी रोगों से रक्षा की थी। उनका वो प्राकृत जन्म दिवस है और यमराज की पूजा का विधान है। जिस घर में अकाल मृत्यु होती है वो अकाल मृत्यु न हो, इसलिए यमदूतों से पूछा यमराज ने कि किसी के घर में दुख होता है? हाँ, बोला होता है। विवाह होता है, 3 दिन में आदमी की मृत्यु हो जाती है, बच्चे की आपघात करते हैं, पानी में डूब जाते हैं, एक्सीडेंट मर जाते हैं, हॉस्पिटल मर जाते हैं, माँ के पेट में मर जाते हैं, उनकी रक्षा के लिए आप कोई उपाय बताइए। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस दे दिन शाम को 7 बजे घर के बाहर 2 थाली रखें, एक में चावल और एक में गेहूँ रखकर उसमें बड़ा मिट्टी का दिया, एक में तिल का तेल और दूसरे में देसी घी का तेल सारी रात चले, वो जलाएं और यमराज देवता से कहें कि हे यमराज देवता, हम आपकी आज प्रार्थना पूजा करें, प्रार्थना करें कि हमारे घर में आज से अकाल मृत्यु न हो, आप हमारी रक्षा करें, घर में सुख शांति हो। और वो आखा दिन चले पूरी रात को, और आप दूसरे दिन वो अनाज किसी को दान दे दे तो आपके घर में अकाल मृत्यु न होगी, सब सुखी रहेंगे। ये उपाय ज़रूर करना, क्योंकि ये दिवाली के दिन चल रहे हैं। आप जितना घी जलाएंगे, दीप जलाएंगे, उसमें खुशी आएंगी, रोग मिट जाएंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्हासनगर 5 येथील स्वामी शांतीप्रकाश योग केंद्रात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनेअंतर्गत आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या सहकार्याने शहरातील काही योगा टीचर्सला सर्टिफिकेट देण्यात आले। जाणून घेऊयात अधिक माहिती या कार्यक्रमाबाबत। या स्वामी शांतीप्रकाश योगाश्रम में RPL आर्ट ऑफ लिविंग के थ्रू हमारे 130 टीचर्स हैं, लेकिन जो भी योग सिखाते हैं उनको सर्टिफिकेट नहीं था, तो आशा जी ने हमको रास्ता दिखाया सर्टिफिकेट कैसा लेना है। एग्जाम भी हुआ, पास भी हुए, वो सर्टिफिकेट हमारे मीनाक्षी जी के थ्रू दिया गया है, तो सबको धन्यवाद है। हमारे जो BJP MLA हैं उनके थ्रू दिया गया है, तो आशा जी को भी धन्यवाद है, आर्ट ऑफ लिविंग को भी धन्यवाद है और इनको भी धन्यवाद है। पहले तो मैं सब टीचर्स को कॉन्ग्रेचुलेशन कहती हूँ कि यहाँ पे इतने टीचर्स बने, ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि आज के इस भागदौड़ के चलते हुए ये योगा इतने टीचर हुए और सब अच्छी तरह से काम कर रहे हैं।
और उन यहाँ पे उनका उत्साह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सब इतने उत्साही है ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। स्वामी शांति प्रकाश योगा आश्रम में सब योगा टीचर्स को गवर्नमेंट की तरफ से और PMKVY प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना की तरफ से उनको सर्टिफिकेट दिया गया है। ये प्रोग्राम 3 महीने पहले इनकी ट्रेनिंग हुई थी और NSDC के अंडर में, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंडर में इनका एग्ज़ाम हुआ था, जो ये सेलेक्ट हो गए और इनको आज नेशनल लेवल पर सर्टिफिकेट दिया गया है और गवर्नमेंट की तरफ से इनको सर्टिफिकेट नेशनल लेवल पे और एक योगा मैट और 6 लाख का एक इंश्योरेंस भी दिया गया है। और ये सर्टिफिकेट इनको आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। मैं रवि पाटिल, उल्लासनगर 5, स्वामी शांति प्रकाश योगा केंद्र इथे, प्रधानमंत्री कौशल योजना यहाँ कार्यक्रम अंतर्गत उल्लासनगर 5 नंबर येथील कमी जास्त 50 योगा टीचर नवीन झालेले आहेत। त्यांचं आज इथे भव्य प्रमाणात त्यांना योगा मॅट आणि एक प्रधानमंत्री योजनेतर्फे त्यांना सर्टिफिकेट देण्यात आलेलं आहे आणि त्यानिमित्त भव्य कार्यक्रम केलेले आमच्या आर्ट ऑफ लिविंग संस्थेच्या आशाजी, त्याही एक योगा टीचर आहेत, आणि उल्हासनगरचे टीचर स्वामी शांतीप्रकाशचे टीचर यांनी सगळ्यांनी मिळून इथे मोठी मेहनत केली आणि उल्हासनगर 5 साठी 50 योगा नवीन टीचर बनवलं। त्यानिमित्त त्या सर्वांचं मनपूर्वक आभार करतो, धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। शहनशाह सद्गुरु बाबा वसनगोट यांच्या 124व्या वर्षी उत्सवानिमित्त उल्हासनगर 5 येथील वसनशाह दरबारात विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे। याबाबत अधिक माहिती देत आहेत साई ओमीराम व कालीराम साहेब। जय वसनगोट, जय जय पारुषा, रख रोड़ी वारते, जय झूलेलाल। उल्हासनगर की प्यारी सात संगत को बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि सदगुरु शहनशाह बाबा वसनगोट साहब जी की 124वीं वर्षीय महोत्सव बड़े ही धामधूम और श्रद्धा से वसनगोट दरबार उल्हासनगर 5 में हजरत अब्दुल दरवेश साईं परमानंद साहब जी की हजूरी और रहनुमाई में मनाई जा रही है। पूरी उल्हासनगर की संगत को दरबार की तरफ से निमंत्रण है, आप सब लोग आइए, संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर, संतों महापुरुषों का दर्शन करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अपनी सभी मनोकामनाएं सिद्ध करें। बड़े बड़े कलाकार, भगत, गुणी, ज्ञानी यहां आकर हाजिरी दे रहे हैं, आप सब लोग भी आइए। तारीख 28 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक ये मेला चलेगा। 4 को पल्लव रात है और 5 तारीख को पल्लव है, आप सब आइए। 1 तारीख को मेगा मेडिकल कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, सुबह 10 बजे से 3 बजे तक दोपहर को, आप आइए और इस पावन महोत्सव का धर्म लाभ उठाइए और सभी मनोकामना सिद्ध करिए। जय वसनगोट, जय पारुषा, रख रोड़ी वारदे। असावतर पे काफ़ी मौज है, बाबा साईं वसनगोट साहब जी का 124वां वर्षीय महोत्सव, काफ़ी प्यारे हर्षोल्लास से आते हैं, बाबा का दीदार करते हैं, बाबा से दुआएं मांगते हैं। इस मेले के बाद हमारे छोटे आप सबके लाडले, बहुत प्यार है पूरी संगत का इनके साथ, जब हाजिरी लगाते हैं स्टेज पे, कहाँ पे बाहर जाते हैं हम प्रोग्राम करने तो दिलबर साईं को नहीं लेके जाते हैं, तो सब पूछते हैं साईं दिलबर साईं को क्यों नहीं लेके आए। दिलबर साईं तौबा कर, मालिक दार हर वेले हर वार तू, माफी गुरंदो रहो बंदा, जिये पेसे पाइन दरबार तू, जीवन जी हर डोर तू, लाल हवाले ले, छड़ चिंता, चिंता टेंशन रख तू, जो तिन वारे तू। क्या बात है, वसन शाह जो आया मां मन जुमरादू पाया, शहर रोड़ी दरा किनारो, वसन शाह जो आया मां मन जुमरादू पाया, तुई जायो तुंजो दर की अच्छा देसाई वेंदा से। क्या बात है, बाबा की दुआ है, जो कलाम आप बोलो आ जाता है। और 10 दिसंबर को हमारे छोटे दिलबर साईं का बर्थडे है, पूरे शहरवासियों को प्यार भरी नींद है कि आइए दुआएं लीजिए भी और इन्हें दुआएं दीजिए भी, क्योंकि दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है और हम रखना तो नहीं जानते हैं, बिल्कुल आप दुआएं देते रहिए, हम भी दुआएं देते रहेंगे। और छोटे दिलबर साईं को दुआएं भी दीजिए, हमें प्यार भी दीजिए, पूरे प्यार शहरवासी को। 10 दिसंबर तकरीबन रात को 9 बजे से लाल साईं की जोत जगेगी, फिर जब तक बाबा की मौज रहेगी कार्यक्रम चलता रहेगा। जय जय वसनगोट, जय जय पारुषा, रख रोड़ी वाले। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।
31 ऑक्टोबर अर्थात सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त युनिटी दौड या मॅरेथॉनचे आयोजन करण्यात आले होते. या मॅरेथॉनमध्ये SST महाविद्यालयातील विद्यार्थिनींनी व विद्यार्थ्यांनी पारितोषिक पटकावली. आम्ही केली बातचीत विजयी विद्यार्थ्यांशी. आज 31 ऑक्टोबर सरदार वल्लभभाई पटेल यांची आज जयंती, त्यानिमित्त कल्याणपूर्व आमदार गणपत गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली मॅरेथॉन स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये SST महाविद्यालयाचे काही खेळाडूंनी सहभाग घेतला होता. त्यामध्ये शिल्पा केंबळे, त्यानंतर शर्मिला कदम आणि आचल राजपूत यांनी अनुक्रमे पहिला, दुसरा आणि तिसरा क्रमांक पटकावला. त्याचप्रमाणे मयूर चांदिवडे यांनी पुरुषांमध्ये दुसरा क्रमांक पटकावलेला आहे. सर्व खेळाडूंचे मी मनापासून आभार मानतो. मी शिल्पा शंकर केंबळे, SST महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी. कल्याणमध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त एक मॅरेथॉन ठेवली होती, तर त्यामध्ये मी खुल्या महिला गटामध्ये फर्स्ट क्रमांक मिळवला. त्यानिमित्त माझ्या कॉलेजचे प्राचार्य आणि शिक्षक वर्ग आणि माझ्या कुटुंबातील सर्व आईवडील आणि मार्गदर्शक सगळ्यांचे आभार मानते. माझं नाव शर्मिला संतोष कदम. आज दिनांक 31 ऑक्टोबर, आज कल्याणला सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त एक मॅरेथॉन ठेवली होती. त्या मॅरेथॉनमध्ये मी सेकंड क्रमांक मिळवला. तसेच माझ्या कॉलेजचे प्राचार्य, माझे कोच राहुल सर आणि संदेश चव्हाण सर यांच्या मार्गदर्शनामुळे आज आम्ही इतर मॅरेथॉनमध्ये पार्टिसिपेट करतो. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या रँकमध्ये आम्ही मेडल घेऊन येतो. त्याबद्दल थँक्यू. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. आता एक नजर शहरातील आपराधिक घटनांवर. उल्हासनगर 4 स्थित सरकारी बाल गृह से साहिल नेनेलाल नामक 11 वर्षीय बच्चे का अपहरण का मामला सामने आया है. यहाँ के अधिकारियों की माने तो उनका कहना है या तो ये बच्चा अपनी मर्जी से भाग गया या किसी द्वारा इसका अपहरण कर लिया गया है. ये पूरा मामला विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस IPC की धारा 363 के तहत मिसिंग बच्चे की तलाश कर रही है. उल्हासनगर 4 मराठा सेक्शन परिसर में वीरा दोआ नामक रिक्शा चालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. आपसी विवाद के चलते संबंधित रिक्शा चालक के साथ विशाल मेश्रा नामक व्यक्ति और उसके कुछ साथीदारियों द्वारा मारपीट की गई है. ये पूरा मामला विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस IPC की धारा 323, 324, 504, 506 और 34 के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है. उल्हासनगर 5 गांधी रोड परिसर में बिहारी मोटवानी नामक व्यक्ति के दुकान में चोरी की घटना सामने आई है. संबंधित व्यक्ति के किराना दुकान में किसी अज्ञात चोर द्वारा कुल 5000 रुपये की चोरी कर ली गई है. ये पूरा मामला हिललाइन पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस IPC की धारा 457 और 380 के तहत आगे की जांच कर रही है. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. तर आजच्या या बातमीपत्रात आपण इथेच थांबूया. पुन्हा भेटूया काही नवीन घडामोडीसह. तोपर्यंत पाहत राहा कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. धन्यवाद.